Assalamualaikum, welcome to Alpha AB Securities, one of Pakistan's leading stock brokerage firm. मैं हूं शुजा कुरैशी मार्केट रैप के साथ. आज फाइनली हमने देखा है कि इंडेक्स ने जो 47,500 का लेवल था उसको ब्रीच किया और सिंपल क्लोजिंग हुई है. फिर अब रेजिस्टेंस लेवल जो है वो इन प्ले आ गए हैं 47,700 और 800 के पास. मैंने देखा कि मार्केट ने थोड़ा सा नीचे की तरफ मूव करना शुरू कर दिया, तो वो एक स्ट्रांग रेजिस्टेंस फिलहाल साबित हुई है. एट द सेम टाइम देखा है कि वही स्ट्रैटेजी जो हम काफी अच्छे से आपको बता रहे हैं कि होना ये चाहिए कि डेली बेसिस पे अगर आपको इंट्राडे हाईज आपको नजर आए और आपको थोड़ा छोटा मोटा प्रॉफिट हो रहा है तो वहां बुक करें, एंड अगेन थोड़ा सा कैश में बैठे, मार्केट डिप करे तो वापस एंटर हो सकते हैं. और एक एक करके हम देख रहे हैं डिफरेंट सेक्टर्स जो है जो हमने मेंशन किए थे वो अब जो है उनमें हमको एक्टिविटी नजर आनी शुरू हो गई है. कल टेक्सटाइल्स थोड़ा तेज हुए थे, आज कुछ प्रॉफिट टेकिंग हुई है वहां पे, तो आज हमने देखा है ऑटोस चल गए. और ऑटोस का मैंने कल भी जिक्र किया था कि सारे स्टॉक एक साथ नहीं चल रहे, आज थोड़ा चले हैं, लेकिन पिछले दो दिन में हमने तेजी देखी थी गंदाराज में और कल अच्छी खासी प्रॉफिट टेकिंग आ गई थी, तो चूंकि प्रॉफिट टेकिंग के बाद स्टॉक वापस नीचे आया तो वहां फिर वो अट्रैक्टिव हुआ और आज फिर हमने गंदाराज में काफी तेजी देखी है. अच्छे वॉल्यूम के साथ बहुत गंदारा इंडस्ट्रीज गंदारा निसान जो है वो की क्लोजिंग हुई है विद गुड गेन्स. बट एट द सेम टाइम होंडा और पार्क सुजुकी भी आज मैंने देखा कि अच्छे गेन्स दिखाए हैं. साजगार इंजीनियरिंग दिन में पॉजिटिव हुआ था बट उसमें इतने ज्यादा गेन्स हमको नजर नहीं आए, बट आई एम श्योर कि उसका भी टाइम आएगा. सो खैर एनीवे ये है. फिर हमने आज स्टील सेक्टर में मूवमेंट देखी, कुछ प्राइस भी बढ़ी, थोड़े से ही वॉल्यूम्स इंप्रूव हुए, ज्यादा नहीं हुए हैं. इंटरनेशनल स्टील की वो सुबह मार्केट में खबर थी कि उन्होंने अपनी प्राइसेस बढ़ाई हैं, तो हमने इंटरनेशनल स्टील को 90 रुपए से ऊपर आते हुए देखा और क्लोजिंग भी 90 रुपीज से ऊपर हुई है. बट सीमेंट नहीं चल रहा, सीमेंट कब चलेगा आई डोंट नो. आज आप देख लें डीजी खान सीमेंट में आई थिंक मुश्किल से शायद 5 लाख शेयर से 5.5 लाख कुछ इस किस्म के, मैं तो आई थिंक चेक किया था, मैं भूल भी गया, वेरी लो वॉल्यूम से डीजी खान सीमेंट कुछ भी नहीं होते ये 5 लाख 5.5 लाख शेयर्स. मेपल लीफ में 16 लाख शेयर्स हार्डली ट्रेड हुए. सो अभी सीमेंट जो है वो परफॉर्म नहीं कर रहा, सो इसलिए भी हम ये स्ट्रैटेजी बता रहे हैं कि अभी जो कि ओवरऑल मार्केट में वॉल्यूम्स नहीं है और पूरा मार्केट एक तरह से नहीं बढ़ रही है, तो इट्स गुड आइडिया कि छोटे छोटे प्रॉफिट्स बुक कर लें. केमिकल्स में भी आज ने थोड़ी मूवमेंट देखी है, सो वहां भी आहिस्ता आहिस्ता हम देख रहे हैं कि जो प्राइसेस काफी टूट गई थी तो वहां पे हमको अक्यूमुलेशन नजर आनी शुरू हो गई. अगर आपको याद हो मैंने कहा भी था कि देखें इसी तरह से एक वो कहना चाहिए कि डोमिनो इफेक्ट बनता है ऑन द अपसाइड, कि जब मार्केट में प्राइसेस अट्रैक्टिव हुई भी होती हैं तो कुछ लोग बाइंग करने आते हैं, वॉल्यूम्स कम होते हैं, हर कोई नहीं आ रहा होता, डर रहा होता है कि यहाँ से प्राइस और नीचे आ जाएगी, बट फिर हम देखते हैं कि एक आया दूसरा आया थोड़ी प्राइस ऊपर गई और फिर देन अदर स्टार्ट फेलिंग, ऐसा ना हो कि हम ये मिस कर दें सो लेट्स जस्ट बाय. तो फिर इस तरह से हम देखते हैं कि आहिस्ता आहिस्ता इन्वेस्टर्स बढ़ते रहते हैं और फिर वो प्राइस ऊपर की तरफ मूव करनी शुरू हो जाती है, तो हमको कुछ स्टॉक्स में ये नजर ऑलरेडी आना शुरू हो गया है. आई थिंक एक रीजन आज जो मार्केट में थोड़ी तेजी नजर आई है तो ओजीडीसी, हाँ द इंडेक्स हैवी वेट ब्लू चिप, फाइनली उसमें आज हमको बाइंग नजर आई है, प्राइस ही बढ़ी है, लिहाजा जी जो आज हमने गेंस देखे हैं. अच्छा मैंने गेंस का जिक्र ही नहीं किया, जस्ट स्टार्टेड टूडे. खैर मैं गेंस बता भी दू, 136 ऑलमोस्ट 137 पॉइंट्स प्लस बंद हुआ है केएससी 100 इंडेक्स 47,628 पे, 47,737 का हाई था, 47,388 का लो था. वॉल्यूम्स अगेन थोड़े से इंप्रूव हुए हैं अगर हम परसों के मुकाबले में देखें, जहां परसों सिर्फ केएससी 100 में 102-103 मिलियन शेयर्स ट्रेड हुए थे, कल थोड़ा इंप्रूवमेंट आई थी और आज कल से और इंप्रूवमेंट आई है, 191.6 मिलियन शेयर्स ट्रेड हुए. केएससी ऑल शेयर 506 मिलियन का काम हुआ है. सो अच्छा हाँ, तो मैं आपसे ये कहता था कि आहिस्ता आहिस्ता फिर हम देखते हैं कि फिर मार्केट में वॉल्यूम्स भी बढ़ने शुरू हो जाते हैं, प्राइसेस बढ़ रही हैं, तो देर आर मेनी स्टॉक्स जो अपनी अर्निंग्स जो अभी हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं. रिजल्ट सीजन जब अगस्त में फुल ब्लूम पे होगा तो अर्निंग्स काफी अच्छी आनी है, एंड उसके हिसाब से प्राइसेस आर अट्रैक्टिव, तो अक्यूमुलेट जरूर करें डिप्स पे. अब कल फ्राइडे है, लास्ट ट्रेडिंग डे ऑफ द वीक, और फिर मंडे को एक सेशन होगा, फिर ट्यूजडे वेंसडे थर्सडे की छुट्टी होगी. सो आई थिंक वही एट द एक्सपेंस ऑफ रिपीटिंग माई सेल्फ आई एम सॉरी, स्ट्रैटेजी वही रखें कि डिप्स पे एक्यूमुलेट करें अच्छे स्टॉक्स, इंट्राडे बेसिस पे गेन्स मिल रहे हैं तो बुक भी कर लें, अगर होल्ड करना चाहते हैं तो थोड़ी सी होल्डिंग बेच दें, सारी नहीं बेचें, बट उससे एवरेज हो जाएगी आपकी जो होल्डिंग है,
तो ये स्ट्रैटेजी जो है वो प्ले में होनी चाहिए. सो विद दैट आई एल एंड हियर. हैव अ नाइस इवनिंग. इंशाल्लाह कल मुलाकात होगी. टेक केयर. अल्लाह हाफिज़.